बलौदाबाजार हिंसा मामले में आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए गुरु बालक दास पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास सतनामी समाज के असली गुरु हैं। सभी बाबा गुरु घासीदास को मानते हैं। बाबा जी के वंश में पैदा होने से कोई गुरु नहीं हो जाता। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू और शिव डहरिया द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को साजिशन फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी की अंग्रेजों से तुलना करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जैसी कार्रवाई की अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। अपने साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़ौदा बाजार की जो घटना घटी है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम सब इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी और अपनी बदनामी को छुपाने के लिए ये दुर्भावनावश और बदले की भावना से राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हमारे आदरणीय साथी माननीय देवेंद्र यादव जी के विधायक जी के खिलाफ की है। आज तक ऐसा इतिहास में कभी उदाहरण नहीं मिलता जो इस तरह की घटना को हम देख सकते हैं। माननीय विधायक जी 5 मिनट के लिए गए थे मीटिंग में। जब कार्यकर्ता पूरा था तो विधायकों को जाना पड़ता है, न कोई भाषण दिया, न प्रदर्शन स्थल पर गए, कहीं ऐसी बात ही नहीं थी। उनका जाना ही पूरा हो गया ऐसा लगा। लेकिन ये बात इससे भी सिद्ध होती है, जैसे हमारे माननीय भाटापारा विधायक श्री साहू जी और माननीय विधायक श्री संदीप साहू का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ली थी आदरणीय शरण जांगड़े जी ने, उसमें इन लोगों का नाम दिया कि ये लोग उपस्थित थे, जबकि सच्चाई ये कि लोग थे भी नहीं। इसी से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष कार्रवाई करती है। किसी आंदोलन में भाग लेना कोई गुनाह नहीं। महात्मा गांधी जी की बजाय रास्ते पर चलकर आंदोलन में भाग लेते तो कोई अपराध नहीं होता। लेकिन माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी की गई, इस बात की कांग्रेस पार्टी बहुत निंदा करती है। एक गलत तरीके से और एक तरह से कहा जाए ऐसे नवीन ढंग से कार्रवाई हुई है जिसकी हमने सबने कड़ी निंदा की है। अब पूरे प्रदेश में आज धरना भी कल हुआ ईडी को लेकर के, और आज पूरे प्रदेश में आप सबके माध्यम से इस बात का कड़ा प्रतिकार और विरोध हम लोग कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई राजनीतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो कार्रवाई होती है सरकार जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। जिसे 7 तारीख को 7 जून को समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया कि हम 10 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। और जब 10 तारीख को आंदोलन हुआ उस समय बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे जिसकी कोई जांच नहीं की गई, और बड़ौदा बाजार के होटलों में, पलारी के रेस्ट हाउस में जो लोग रुके थे, जो नागपुर से बताया जा रहा आरएसएस और बजरंग दल के लोग भी उसमें शामिल थे, लेकिन उसकी जांच प्रशासन द्वारा नहीं की गई। और सुबह से ही बड़ौदा बाजार में भीड़ जुटना शुरू हो गया था, 10-12 हजार से ज्यादा लोग हो गए थे। 3 घंटे तक भाषणबाजी और आंदोलन का प्रक्रिया चलते रहा, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे रही और सरकार का पूरा इंटेलिजेंस फेल था। और एक घटना हुई जो पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना, किसी जिला कार्यालय को और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जलाया गया। इसमें इन लोग सतनामी समाज के लोगों को और हमारे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है। इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दोषी है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए जानबूझकर हमारे कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों को और सतनामी समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो उसमें शामिल नहीं थे, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी को दिखाता है और जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इस तरह की कार्रवाई तो अंग्रेजों ने भी अपने जमाने में नहीं किया था।